भारतीय आम आदमी पार्टी अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की तरफ से जनता के लिए विकास कार्य कराए जाएंगे। अपील, नगर के सभी चौराहों का सुंदरीकरण कराया जाएगा, सभी तालाबों का सुंदरीकरण कराया जाएगा, जो भी पार्क है उन्हें सुंदर व्यवस्थित कराया जाएगा और नए पार्क बनाए जाएंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को घर घर पहुंचाया जाएगा। ई रिक्शा चालकों के लिए रिक्शा स्टैंड और सोलर सिस्टम लगाकर ई रिक्शा चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे सैकड़ों रिक्शा चालकों के ऊपर प्रति महीना जो हजारों रुपए का खर्च आता है उसे राहत मिलेगी। जिन वार्डों में पीने के पानी की समस्या है उससे पहली बैठक के तुरंत बाद विस्तारित कराया जाएगा। प्रतिदिन साफ सफाई और नाली सड़क को देख रेख के लिए टीम सभी बड़ी शिकायत पेटी लगवाए जाएंगे, जिससे लोग अपनी समस्याओं को बिना नगर पालिका आए मुझे अवगत करा सके, जिनका तुरंत निस्तारण कराया जाएगा। शहर की सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा। बस्तियों में बिजली पानी सड़क आदि सभी सुविधाओं के संयुक्त किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों और मंदिर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। सभी वार्डों में रोड लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। न्यायालय परिसर में शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी आदि उचित कार्य भी किए जाएंगे। जी राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे महोबा की जनता से? आप महोबा की जनता को मैं जो है पहली बार प्रणाम करता हूँ, पूरी महोबा की जनता, देवतुल्य जनता को। और क्या कुछ करना चाहेंगे अगर जनता आपको मौका देती है यहाँ पर, तो क्या क्या कुछ मूलभूत समस्या है यहाँ पर जो आपको दूर करेंगे आप? यदि मुझे महोबा की देवतुल्य जनता मुझे जो है एक बार मौका देती है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते, तो मैं जो है यहाँ की जैसे सफाई, स्वास्थ्य और चिकित्सा और पानी और सड़क, इन सब चीज़ों में जो है मैं विशेष रूप से, और जैसे मैंने ये देखा कि टी सागर में आज एक क्लब चलता है हमारी महुआ का, तो बच्चे जाते हैं और खुली छत के नीचे भी पढ़ते हैं, उस पर जो है किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, किसी भी राजनीतिक दल हो या प्रतिनिधि हो, आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा कि यहाँ से बच्चे जो बहुत जाते हैं निकलते हैं, तो कोई व्यक्ति जो है ध्यान दे। तीरथ सागर की साफ सफाई आज तक नहीं हुई, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इस पर भी ध्यान देंगे साफ सफाई पर, जो जगह तीर्थ स्थल है उन पर भी ध्यान देंगे? बिल्कुल सर, मैं जो साफ सफाई तीर्थ स्थलों में भी साफ सफाई का और पोताई रंगाई का भी विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि महोबा एक जो है अलग जगह है, महोबा से बाहर से लोग आते हैं दार्शनिक स्थल। महोबा आला उदल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, वीरों की भूमि है महोबा जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका नाम जो है पूर्णतः बना रहा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील, देवतुल्य जनता से, महोबा की देवतुल्य जनता से यही अपील करूँगा कि आप 11 तारीख को जो है मतदान है, तो आप जो है आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, मैं राजेश कुमार प्रियापति पूरी जनता से अपील करता हूँ, एक बार मुझे मौका जरूर दें और 3 नंबर थाने में, झाड़ू वाले थाने में एक बार जो है धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए राजेश जी।